मी अमरीन खान, औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीव्ही चॅनल मध्ये आपले स्वागत। आता एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। नारेगाव मुस्लिम स्मशानभूमीसाठी साहेब खान पठाण यांनी उचलला विडा। महानगरपालिकेसमोर आजपासून आमरण उपोषणास सुरुवात। नवरात्रीत महागाईमुळे कर्णपुरातील व्यावसायिकांचा व्यवसाय हा कभी खुशी कभी गम प्रमाणे सध्या चालताना आहे दिसत। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आणि विजयादशमीच्या विविध कार्यक्रमांना यशस्वी करण्यात महानगरपालिकेची आहे मोठी साथ। भदंत विशुदानंद बोधी महास्तवी यांचे प्रतिपादन। कमल तलाव येथील रस्त्याच्या कामाचे आज झाले उद्घाटन। सर्व पक्ष आपसातले भेदभाव सारून दिसले एकत्र। आता सविस्तर बातम्या। नवीन वसाहत असलेल्या नारेगाव परिसरात राहणाऱ्या 50,000 मुस्लिम नागरिकांना त्यांची स्मशानभूमीची जागा देण्यात यावी याकरिता वेळोवेळी महानगरपालिकेस निवेदन देण्यात आली। ते देऊनही आतापर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात न आल्याने नारेगाव वासियांसाठी मानवाधिकार प्रदेशाध्यक्ष साहेब खान पठाण यांनी पुढाकार घेत महानगरपालिकेस नारेगाव मध्ये मुस्लिम समाजास स्मशानभूमीच्या जागेकरिता निवेदन सादर केले असून ते आजपासून महानगरपालिकेसमोर आमरण उपोषणास बसले आहे। हमारी मांग है कब्रिस्तान की, जो नारेगाँव के अंदर 40,000 से 50,000 की जो है तो आज तकरीबन जो है तो नारेगाँव के अंदर आबादी जो है तो मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जो मैं मांग को लेकर बैठा हूँ। और ये मांग हमारी निवेदन तकरीबन 5 साल से हमारी लड़ाई चल रही है शासन प्रशासन से, तो हमको सिर्फ जो है तो इसके बुनियाद पर हमको जो है तो आश्वासन दिया गया क्या भाई ठीक है हम कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल लाके देंगे, बिल्कुल आपका जो है तो बिल्कुल हो जाएगा, ये हम जो है तो सुनते आए। लेकिन आज हमको ये नौबत आई हुई है तो आज कब्रिस्तान के जो है तो मेरे को यहाँ पे अमरण उपोषण करने के लिए हमको यहाँ पे बैठना पड़ा, तो इस बुनियाद पर जो है तो हम यहाँ पे जो है तो अमरण उपोषण के लिए बैठे। और जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती, जब तक कि हमको जो है तो इसका जो है तो लेखी के अंदर इसका पत्र नहीं मिलता, तो ये हम उपोषण यहाँ पे जो है तो करने वाले हैं। देखो हमारी जो है तो 5 एकड़ की मांग है, तकरीबन 5 एकड़ की, जो नारेगांव के अंदर 40,000 से 45,000 की जो आबादी है तो इस बुनियाद पर बैठे कि हमको 5 एकड़ जमीन मिले, और जब तक नहीं मिलती इंशाल्लाह हम यहाँ पे उठने वाले नहीं। नारेगांव में जो भी इलेक्शन लड़ता है तो उसका पहला मुद्दा ये रहता है कि मैं कब्रिस्तान दिलाऊंगा, कोई नेता सामने नहीं आया आपके के कब्रिस्तान दिलाने के लिए आगे बढ़े आगे आए। वो लोग सियासत करते, हम समाज सेवक करते, यानी हमारे समाज के अंदर जो है तो हमारी हमेशा मेहनत चलती रहती है। मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, जो इस बुनियाद पर भी जो है तो जनता के अंदर मैं काम करता रहता हूँ। तो इस बुनियाद पर मैं कभी सियासत नहीं किया हूँ और ना करूँगा इंशाल्लाह। तो मैं जो काम करता हूँ मेरे को सियासत नहीं करना है, मुझे यानी खिदमत है, यानी जनता की खिदमत करना है। देखो ये तो शर्म की बात है, आज ऐसा जो आज असल हमारा जो मकसद है ये तो मैं बोलता हूँ इतिहास में पहली मरतबा हुआ आऊँगा, इतिहास में ये पहली मरतबा हुआ आऊँगा जो तो आज कई आंदोलन हुए देखे हमने ज़िंदगी के अंदर, लेकिन आज कब्रिस्तान के लिए जो अमरण उपोषण को बैठना पड़ रहा है ये तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। औरंगाबाद की जनता ने मुस्लिम सरकार दिया है, उनसे क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद करेंगे उनसे, क्या उम्मीद करेंगे? आज तक कुछ मिला ही नहीं तो क्या उम्मीद करेंगे? हमको बड़ी बड़ी आशा थी हमको, लेकिन कुछ भी नहीं मिला भाई आज। लेकिन आप मैं प्रशासन से लड़ूंगा और यहाँ से कब्रिस्तान को लेके उठूंगा, कोई हमको किसी उम्मीद नहीं। आप तो उठेंगे तो यहाँ से बिल्कुल कब्रिस्तान की जगह लेके जुटेंगे हम। औरंगाबाद शहर में 3 आमदार है, 1 खासदार है, कभी किसी से मुलाकात हुई इस तालुक से? देखो हमने तो कई बार इसके बाद निवेदन दिया, हमने सरकार को कई बार निवेदन दिए, नहीं आमदार को नहीं दिए, आमदार तो हमारा हाथों सड़ गए, हम उसके पास कभी नहीं गए। क्या वजह है? नहीं गए, हम गए नहीं, बिल्कुल नहीं गए। वजह कुछ भी नहीं है, वजह कुछ नहीं है, वो भी हमारा आमदार है, हम भी उसको यानी तस्लीम करते हैं, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा जाना नहीं होगा। ऐसा लगता है कि आपको बीजेपी से आए तो आपके नहीं, बिल्कुल नहीं, हमको बीजेपी से बाहर नहीं है, किसी पार्टी से बाहर नहीं है, हमको कोई सियासी पार्टी से बाहर नहीं है, ना कोई हमको नेता से बाहर नहीं है, हम हमारे काम के लिए जो है तो ऑपरेशन के लिए बैठे। ऐसा नहीं है कोई बीजेपी का आमदार है तो हमने वहाँ जाना नहीं, लेकिन हमारा कुछ जाना नहीं हुआ, इस बुनियाद पर हम गए नहीं वहाँ पे। आगे इलेक्शन का मुद्दा क्या रहने वाला है? नारेगांव तो जनता सबक सिखाने वाली है, आप नेताओं को सबक सिखाएंगी,
उनकी असलियत और उनकी हकीकत, उनकी जगह जो है जनता उनको बताने वाली है कि तुम्हारी जगह कहाँ है करके। अब ये नहीं पूरी महाराष्ट्र की जनता यानी ये सरकार को, ये आने वाले इलेक्शन नेताओं को बताने वाली है। आगे आपका क्या कदम रहेगा अगर मांग पूरी नहीं होती? देखो मैं तो यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, मांग नहीं उठने वाला ही नहीं हूँ, चाहे मेरी यहाँ से लाश निकल जाए। यहाँ के जो है तो मेरी लाश सरकार ने यहाँ से उठाना और नए जगह के ऊपर दफन करना। ये जो आपका अमरण उपोषण है ये कहता है बिना खाए पिए के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई खाना पीना बिल्कुल नहीं है मेरा, ये अमरण उपोषण है। अमरण उपोषण का इतिहास बदल डाले, वहाँ बिरयानी आती थी, यहाँ पे आने वाली की बिरयानी? देखो भाई वो तो खाते होंगे बिरयानी, लेकिन हम तो नहीं खाएंगे, क्योंकि मैंने इखलास के लिए बैठा हूँ यहाँ पे और मुझे मालूम है जहाँ इखलास होता है वहाँ अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। मैं इखलास के लिए यानी इखलास यानी जनता के लिए बैठा हूँ, इखलास से बैठा हूँ, हाँ तो मेरे को उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। कमिश्नर से क्या उम्मीद है आप? देखो कमिश्नर साहब से ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो लेटर लेके आएंगे और लेटर मेरे हाथ में देंगे और लेटर लेके मैं यहाँ से उठूंगा। बातम्या अजूनही आहेत, मात्र वेळ होत आहे का छोट्याशा ब्रेकची। कुठे जाऊ नका, पाहत रहा औरंगाबाद अपडेट UCN TV चॅनल। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश, तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ ₹250 से। पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीम लाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत। सध्या नवरात्र खूप उत्साहात सर्वत्र साजरी करण्यात येत आहे। कर्णपुरा येथे विविध वस्तूंची दुकाने थाटण्यात आली आहे। यांचा व्यवसाय हा महागाईमुळे जोर धरत नसल्याचे येथील मिठाई विक्रेता, पूजेचे साहित्य विक्रेता यांचे मान्य आहे। तर दुसरीकडे परोपकार भाव ठेवून हॉटेल चालवणाऱ्या मालकाचा व्यवसाय चांगला चालत असल्याचे समजते। महागाई जरी असली तरी भक्तगण कर्णपुरा यात्रेत मोठ्या भक्तिभावाने व मोठ्या संख्येने येतात, तेही तेवढेच खरे। सध्या तर काही प्रसिद्धात नाही, पण प्रसिद्ध पुढे भेटेल आमच्यापाशी पावभाजी, डोसा, उत्तप्पा नूडल्स, साबदाना वडा, इडली एकदम अच्छा चांगल्या प्रकारमध्ये भेटते। दरवर्षी तुम्ही लावता का? हां सर, मी इथं 10 वर्षापासून येतो, मला 10 वर्षापासून प्रसिद्धात अत्यंत चांगल्या प्रसाने आहे आणि यावर्षी मी तसाच प्रसिद्ध भेटेल ही माझी इच्छा आहे। आणि यावेळी गर्दी कसं दिसते तुम्हाला? यावेळी सध्या तर 2 जण गर्दी नाही, पण आजपासून गर्दी वाढेल हे मला एवढं चांगलं वाटतं। इंस्टॉलमध्ये आपला जे रेट आहे ते कसा आहे? एकदम रिजनेबल, गरिबांना परवडणारी, श्रीमंतांना आवडणारी। म्हणजे आता जे महागचं जे चालू आहे की सगळ्याकडे महाग आहे, तुमच्या इंस्टॉलवर काय महाग आहे? आमच्या नाही नाही आमच्या गरिबांना परवडणारी, श्रीमंतांना घेवणारी, म्हणजे एकदम रिजनेबल रेट। आणि कोणी जरी पैसे नाही मिळत तरी आम्ही पैसे घेत बी नाही। आपल्या इंस्टॉलमध्ये काय काय आहे आणि टेस्ट कसा आहे ते सांगा। आमच्या इंस्टॉलमध्ये पावभाजी, डोसा, उत्तप्पा, नूडल्स, मंचुरियन आणि साबदाना वडा आहे। म्हणजे जर कोणी आला भाऊ माझ्याकडे पैसे नाही आहे, पाकिट मारा, काय अडचण नाही सर, पैसे असले द्या नसले खाऊन जा, अडचण नाही। फक्त आपल्याला माणूस की पाहिजे, आपण काय पैसे कमवण्यासाठी ते येत नाही, फक्त 2 माणसाच्या प्रेमापोटी येतो औरंगाबादसाठी। तुम्ही कुठलचे आहे आणि हे जत्रामध्येच लावतो तुम्ही का औरंगाबाद शहरात? नाही मी नांदेडचा आहे आणि वर्षभर पूर्ण यात्रा करतो, पण मला हे संभाजीनगर आहे चांगलं वाटते म्हणून मी तिथं हर वर्षी येतो। आपला स्टॉल कुठे आहे दर्शकांना सांगा जे टेस्ट आवडतं तर? आमचा स्टॉल जे आहे या यात्रेच्या मागच्या साईडला पहिल्या लाईनला स्टॉल आहे, महाराष्ट्र पावभाजी सेंटर म्हणून। कारोबार तर सध्या चांगला आहे, पण पब्लिकचा अजून रिस्पॉन्स नाही आहे। जशी पब्लिक पाहिजे तिसरी माळे आज, त्या विषयावर बघितलं तर आज फुल गर्दी पाहिजे, आज गर्दी नाही एवढी काही। आता आज संडे जर असता तर खूप गर्दी असतील। जागेची रेट तर महागच आहे प्रत्येक वर्षी, जागेचे काही काही कारणानं 1000 रुपयांना 2000 रेट वाढतात जागेचे प्रत्येक वर्षी। टेंडरमध्ये कसं आहे कमी जास्त झालं तर वाढतात, कमी तर झालंच नाही। इथं 1500 रुपयापासून जागा आम्ही जसं दुकान लावतो आहे 650 रुपये प्रत्येक 10 दिवसाचे पैसे घ्यायचे, आता तेच झालेत पैसे 12000 एका टेबलचे। हो आता 10 दिवसाची अपेक्षा म्हणलं तरी वर्षात एकदा येत राहणारी, त्या विषयाने बघितलं तर कमीत कमी 7000 रुपये घ्यायला पाहिजे अंदाजित। सगळे साधारण लोक आहेत, एवढे काही बाहेरचे मोठे दुकान कोणीच नाही।
सर आपल्या ताटामध्ये हे देवीचं ताट आहे पूर्ण, हे अखंड उटीचं ताट आहे, नारळ खण टिकली वांगडी फूल हळद कुंकू उदबत्ती याचा 50 रुपये रेट राहतो सर। अपेक्षा काय राहणार सर, जे रेट चालू आहे तेच राहणार आहे, जे दरवर्षाप्रमाणेच कस्टमर जास्त देत नाही ना, जागेचा रेट तर वाढतच राहतात प्रत्येक वर्षी, मागच्या वर्षाप्रमाणे ह्या वर्षी 1000 रुपयानं वाढलेलं आहे। हो कारोबारपेक्षा अपेक्षा काय सर, आता जे मागच्या वर्षी समजा 10-20 हजार उरले होते, या वर्षी 5-10 हजार कमी उरणार आहे, कारण की इकडे 1000 रुपयाचा फटका बसलेला आहे जागेच्या हिशोबाने। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन ते विजयादशमी पर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ परिसरातील बुद्ध लेणी येथे विविध कार्यक्रम घेण्यात येतात। येथे श्रामने शिबिर याचे आयोजन करण्यात येते। अणुप्रवर्तन दिनी येथे अनुयायांना बौद्ध धम्माची दीक्षा देण्याचे कार्य गेल्या 40 वर्षांपासून सुरू असून सर्व बौद्ध उपासक उपासिका अशोक विजयादशमीला येऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धर्मांतराचे स्मरण करावे असे निमंत्रण भदंत विशुद्धानंद बोधी महास्तवी यांनी माध्यमांशी बोलताना दिले। तसेच विविध पदाधिकारी आमदार खासदारांसह पोलीस आयुक्त महानगरपालिका आयुक्त जिल्हाधिकारी आणि जवळपास संपूर्ण मराठवाडा ते विदर्भातील 7-8 लाख अनुयायी या कार्यक्रमास उपस्थित राहतील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले। यावर्षी अशोक विजयादशमीच्या कार्यक्रमामध्ये विविध देशातील बौद्ध भिक्षू येतील, विविध पदावर असलेले खासदार आमदार येतील आणि औरंगाबाद शहराचे पोलीस कमिशनर महानगरपालिका कमिशनर कलेक्टर हेही या ठिकाणी निमंत्रित केलेले आहेत आणि जवळपास संपूर्ण मराठवाड्यातून विदर्भातून 7-8 लाख लोक बौद्ध अनुयायी या बुद्ध लेणीवर येऊन बाबासाहेबाच्या धर्मांतराला साक्षी राहते। अशोक विजयादशमी या दिनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये महानगरपालिकेचं योगदान मिळते, स्वच्छता करण्यामध्ये, पाणी पुरवठा करण्यामध्ये, लाईट देण्यामध्ये, रोडचं चांगलं काम करण्यामध्ये महानगरपालिकेचं योगदान आहे। त्यानंतर पोलीस डिपार्टमेंटतर्फे चांगल्या प्रकारे पोलीस संरक्षण या ठिकाणी गेल्या 40 वर्षामध्ये एकही गुन्हा घडलेला नाही, कुणाचं मंगळसूत्र चोरीला गेलं नाही, कोणी कुणाला मारझोड केली नाही, कोणी कुणाला कुठल्याही प्रकारची शिवीगाळ केली नाही असं रेकॉर्ड बुद्ध लेणीवर आहेत। पोलीसवाले येऊन तेही भक्तिभावाने एन्जॉय करतात, परंतु पोलीसवाल्यांना इथं कुठलंही काम अद्याप मिळालेलं नाही। त्यानंतर बस सेवासुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध होते आणि स्वयंप्रेरणी स्वयंसेवक या ठिकाणी काम करतात आणि कुठल्याही प्रकारचे कोणालाही इजा होणार नाही याची दक्षता घेतात। माझं नाव भिक्खू विशुद्धानंद बोधी महास्तवीर। मी गेल्या 40 वर्षापासून औरंगाबादच्या या परिसरामध्ये काम करतो, त्यानंतर मुंबईमध्ये हिरानंदानी गार्डन पवई या ठिकाणी एक विहार बनवलं, त्यानंतर बुद्धगयेमध्ये खास करून 80 देशांच्या लोकांनी विहार बनवलेत, त्यामध्ये आम्ही महाराष्ट्राकडून मी स्वतः 100 लोकांना टिपटॉप राहण्याची व्यवस्था होईल असे बुद्धविहार बुद्धगयेला बनवलं, तर 40 वर्षाच्या कार्यामध्ये हे मोठे कार्य मी उभे करू शकलो। आमखास मैदानालगत कमल तलाव येथील रस्त्याच्या कामाचे उद्घाटन महानगरपालिका आयुक्त जी श्रीकांत, माजी आमदार प्रदीप जयस्वाल, एमआयएमचे नगरसेवक नासिर सिद्दीकी, नगरसेवक आरिफ हुसेनी, नगरसेवक जमीर कादरी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले। आज स्मार्ट सिटी के अंदर से छत्रपति संभाजीनगर से और G20 की वजह से मैं यहाँ सब लोगों के तरफ से, सब पक्ष की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। कमिश्नर साहब, ये एरिया सबसे पुराना है, इस शहर के सब पुराने रहने वाले लोग हैं और मुझे ऐसा लगता है अभी जो काम चल रहा है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जितने भी काम आए और बड़े बड़े काम रहना इसलिए जरूरी है, ये पुराना शहर है,
क्योंकि पैठन गेट के बाद गुलमंडी, गुलमंडी के बाद चौक, चौक के बाद शाह बाजार, उसके बाद लोटा कारा बुट्टी लेन, उसके बाद तुम्हारा जयसिंह नगर जामा मस्जिद, उसके बाद बाजी में तुम्हारा टाउन हॉल, बेगमपुरा, ये सब पूरा ओल्ड सिटी का मामला है। तब मेरी आपसे विनती रहेंगी, आप जैसे काम जिस तरह तो चल रहे हैं, आपके भी आशीर्वाद से सब सिटी में अच्छा, आपका भी नाम है, जो काम चल रहा है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने भी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी में पैसे मुझे दिए, जिसके लिए मैंने 300 करोड़ का काम यहाँ किया हो, क्योंकि काम करते समय सब लोगों का काम है, हम एक समाज के रहो, कोई भी समाज के रहो। मैंने अपने रोजेगार की ईदगाह के वास्ते 1 करोड़ रुपए ला के दिया हूँ, अपने मस्जिद, 4 मस्जिद की ये था काम, उसको 20 लाख रुपए ला के दिया हूँ। सैयदा कॉलोनी के अंदर इतना गंदी अवस्था है कि वो पानी के वास्ते, वहाँ पे मैंने पानी की लाइन के लिए 90,000 रुपए लाया हूँ। इसी तरह से सब लोगों ने मिलकर काम किया और तो हमारे कमिश्नर साहब का महापालिका सहयोग मिला, तो हम बहुत अच्छी तरह से हॉस्पिटल के उनको भी 50 लाख रुपए डिक्लेयर करना, वो उसके लिए पहले कैसा है डिक्लेयर नहीं कर दिया था, जब तक काम पूरा होता नहीं करेंगे, आप याद दिलाइए, जरूर करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी लोग यहाँ पे आए हुए, मैं सबका यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ, विशेष करके कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अन्य या बागाचे आमदार श्री माननीय श्री प्रदीप भाई जसपाल साहब, और जिनके उपस्थिति में कार्यक्रम होने वाले थ्री ऐसे श्री इम्तियाज भाई जलील साहब, उनके कुछ कारण वस्तु आज उपस्थित नहीं है, उनके प्रतिनिधि बोल के यहाँ पे सभी माजी नगर सेवक MIM पक्ष के सभी लोग यहाँ पे आए हुए, आज माननीय जयसवाल साहब के हाथ से यहाँ पे स्मार्ट सिटी के रास्तों का उद्घाटन जो बहुत दिन से पेंडिंग था, और जमीर भाई तो पीछे ही लगे हुए थे कि एक ही रास्ता बचा है, लेकिन सभी रास्ते माननीय जयसवाल साहब ने, जैसा कहा माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब, या शहराला जेवढा निधी मागणी आपल्याला करू शकता तेवढा निधी मागणी करा, आणि कुठल्याही निधीचं कमी पडू देणार नाही, असे साहेबांनी यापूर्वी या ठिकाणी कॅबिनेट मीटिंगचे ज्यावेळा आले होते त्यावेळा सांगितलं, आणि तसेच पद्धतीची या ठिकाणी काम जे काही काम होणार आहे ते अत्यंत क्वालिटीचं काम होणार आहे। सर, आपण या ठिकाणी एवढा घाण वास येतो, आता हे सर्व कमल तलावाचं सर आपण पुनर्विकास या ठिकाणी करणार आहे, आणि एक चांगला तलाव, आणि सर इथं खाली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मनोरंजन पार्क आहे, त्याला जवळपास आपण 1.5 कोटी रुपये त्याला दिलेले आहे, जेणेकरून एक ॲडव्हेंचर पार्क या ठिकाणी करू। आणि नुकतंच सर आता ज्या कामासाठी उशीर झाला, माननीय सत्तारभाई जे औकाफ लँड के मंत्री आहे, मायनॉरिटी विकास के मंत्री आहे, उन्होंने ये पूरा फुटबॉल ग्राउंड करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने की उन्होंने कबूली किया है, तो सिर्फ उसकी ज़मीन की प्रक्रिया और सभी करके जो इस परिसर है, जो एक बहुत अच्छा परिसर है लेकिन बहुत गंदगी है, बहुत अच्छा परिसर नहीं था, वो आज मुझे अच्छा लग रहा है कि माननीय सत्तार भाई और माननीय इम्तियाज भाई सभी मीटिंग में उपस्थित थे, और यहाँ की उन्होंने फुटबॉल, इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड और बाकी जो बचा हुआ है उसमें क्रिकेट ग्राउंड करने की उन्होंने आशंका जताई है, और हमें यकीन है और इस प्रकार से महानगर पालिका की ओर से जितना कुछ कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। आणि याबरोबरच बातमीपत्र इथे संपलं, पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात, तोपर्यंत पाहत रहा औरंगाबाद अपडेट UCN TV चॅनल।